हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। 6 जुलाई को संपन्न हुए नगर निगम चुनाव के नतीजे 17 जुलाई को आ चुके हैं। महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पुष्यमित्र भार्गव रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर अपनी अमिट छाप बना चुके हैं। वहीं भाजपा में पार्षद पद के कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने दिग्गजों को चुनाव हरा कर लोगों को काफी आश्चर्यचकित किया। ऐसी एक पार्षद उम्मीदवार मलखान सिंह कटारिया वार्ड क्रमांक 51 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कटारिया ने वार्ड में 3-3 यादव दिग्गजों को पराजित किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा के दावेदार छोटे यादव, जो कि अभी तक अजय पार्षद के रूप में जाने जाते थे, अब कटारिया ने उन्हें हराकर कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा झटका दिया है। वहीं इस वार्ड से भाजपा के बागी उम्मीदवार कमल यादव भी चौथे नंबर पर रहे हैं। संतोष यादव भी तीसरे नंबर पर रहकर चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 51 में भाजपा उम्मीदवार की जीत को काफी चुनौती भरा बताया जा रहा था। ऐसे में मलखान सिंह कटारिया की जीत काफी मायने रखती है। रविवार को नतीजे आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेहरू स्टेडियम से वार्ड 51 तक विशाल आभार जुलूस निकाला। इस दौरान रास्ते भर कटारिया का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कटारिया ने वार्ड में अपने कार्यालय के सामने हनुमान मंदिर पर जाकर हनुमान जी के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। कटारिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी जीत पर वार्ड 51 के समस्त नागरिकों, मतदाताओं, भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं एवं विधायक महेंद्र हाडिया का आभार व्यक्त किया। क्रमांक 51 यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार के रूप में आए, क्या कहना चाहेंगे? आज बजरंग बली के दर्शन भी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं जो यह चुनाव लड़ा, ये चुनाव मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे विधायक जी और संगठन ने चुनाव लड़ा है जी। और जो जनता से हमने वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। जनता के बीच में रह के काम करेंगे, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम काम करेंगे। और बजरंग बली जी का तो हमेशा हमारे ऊपर कृपा रही है,
इन्हीं का आशीर्वाद है। सामने कि कांग्रेस के जो दिग्गज है छोटे यादव जी, उनको आपने हराया, यहाँ पे भाजपा के बहुत सारे बागी खड़े हुए थे, उनको आपने हराया, क्या कहना चाहेंगे जनता और कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्यार मिला? ये मेरे वार्ड 51 की जनता का इसने प्यार के लिए मैं बहुत जीवन भर आभारी रहूँगा, क्योंकि उनने जो भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है वो मैं चाहकर भी उनका ऋण नहीं उतार पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से पसंद किया? पूरे शहर में भाजपा की जीत हो रही है, महापौर भी जीते, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है, विकास पर ध्यान देती है, नीचे से मध्यम परिवार से लेके ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव वाली बात नहीं करती है, हम कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ विकास पे ध्यान देते हैं और विकास ही करते हैं।